खबर सामने आ रही है कपूरथला तो यूथ अकाली दल दे राष्ट्रीय उप प्रधान अवि राजपूत ने जनता दा हितेशी होण दा नाटक करन वाले नवजोत सिंह सिद्धू दा पर्दाफाश करन दी कोशिश कीती है। जी हां, उहनां दा कहणा है कि नवजोत सिंह सिद्धू सब कुछ नाटक कर रहे हन जो ओह लोकां दे सामने दिखाई दे रहे हन अते लोकां दे हक दे विच खड़े हुए नजर आ रहे ने अते उहनां ने कहा है कि सब कुछ नाटक है अते ओह असली चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू दा की दिखा रहे ने अपने धरनियां दे दौरान आओ तुहानूं दिखाने आ। श्री वाहिगुरू जी की फतेह, जय श्री राम। जो अज दा जो प्रोग्राम आ ओह यूथ अकाली दल दी समुची टीम वल्लों दास अवि राजपूत की प्रधानगी हेठों लिखा गया वा। जो प्रोग्राम का मुख्य एजेंडा सीगा वो ये सीगा कि जिदा सिद्धू साहब पिछले काफ़ी समय तो आप सब जानते हैं, पंजाब के लोग जानते हैं कि सिद्धू साहब एको गल करते रहे हैं कि मैनू कुर्सी का कोई मोह नहीं है, मैं पंजाब के लोगों की सेवा करनी है। 2017 के इलैक्शन तो पहलों सिद्धू साहब कांग्रेस से आए, पहले बीजेपी से ही, अकाली दल भी सके, आम आदमी ने भी इन्हों का प्यार से, नेड़ता से। उदो इन्होंने समय समय से कह के बीजेपी ने अपनी मां दसिया पार्टी, फिर उस तो बाद अकाली दल के जो साढ़े वर्कर से लीडर से उन्होंने बड़ा इन्होंने सोले गाए। उस तो बाद कांग्रेस से आए तो इन्हें जी सोनिया गांधी जिन्होंने मुन्नी जरा कहें राहुल गांधी पप्पू कहें जड़ा मनमोहन सिंह से उन्होंने जोड़ा जाके पैरी हथले जिन्होंने कहें ये सरदार आ पर असरदार नहीं आ। उही वर्डिंग जी जो एक सिख भाईचारे जे बड़े सूझवान लीडर से प्रधानमंत्री से उन्होंने बारे बोलते थे, अज कांग्रेस के बेच ने। जदों बिजली मंत्री का उन्होंने महकमा दिता गया दूसरे महकमे तो हटा के कैबिनेट रैंक के, उदों ये कहें कि मैं बिजली महकमा नहीं लैना। वो क्यों नहीं लैना? क्योंकि उदो बिजली का महकमा जो घाटे से जा रहा है, वो इन्हों कि जो बिजली महकमा सिद्धू साहब लेंदे आ तो पंजाब के लोगों के खिलाफ जोड़ा वा एक जाएंगे, क्योंकि सिद्धू साहब सिर्फ गल्लां करना जानते हैं, चौके छक्के मारना जानते हैं, ना कि काम करना जानते हैं। बिजली महकमा इन्होंने ठकराता कहें जी, तो यह बहाना लाया कि मैं लोगों की सेवा करनी, बिना अहदे तो बिना पद तो मैं लोगों को जवाब दे। अज जो किसान भाईचारा साडा पिछले 8 महीनों तो बीजेपी के खिलाफ दिल्ली के धरनों से बैठा बार्डर से, उदों ये अज जिहड़ा पंजाब की सियासत में जो नवजोत सिंह सिद्धू आ जो हाईकमांड ने इन्हों पंजाब का प्रधान अनाउंस किया पिछले 3 दिनों तो ये लोगों के जा रहे लड्डू खा रहे आ, पार्टियां कर रहे आ, संगठन मजबूत कर रहे आ। अज सिद्धू साहब जो ट्वीट करते नहीं किसानों के हक से, अज तुम ये याद नहीं आया कि आप बार्डर जाके किसानों की हिमायत भी करनी है, जो कि श्रोमणी अकाली दल हमेशा किसानों की हिमायत की आ। सिद्धू साहब मैं दसना चाहना, नहीं लगता कि सिद्धू साहब मतलब कि प्रधानगी तक ही सीमित रह गए, लोगों के जो कि मुद्दे को लेकर तो बिल्कुल कांग्रेस साइलेंट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तुम्हारी प्रेस राय मैं दसना, ये तुहाडे वर्गे जिहड़े प्रेस के सज्जन आ जिहड़े अज सिद्धू साहब के जिहड़े गलत काम आ उन्हां दे खिलाफ भी बोल रहे आ, लेकिन मैं प्रेस में एक दसना चाहता कि सिद्धू साहब वही ने जिहड़े अपने अमृतसर की कोठी के प्रेस में अंदर आने तो मना करते कि मैं किसी प्रेस में इंटरव्यू नहीं देना। ताडे के जिहड़े सच्चे प्रेस के जिहड़े संपादक आ वो अज सिद्धू साहब जिहड़ियां गलत नीतियां वा उन्होंने भी लोगों में जग जाहिर कर रहे हैं। वो सिर्फ उदों एक अपना पंजाब चैनल बनाया उसके उत्ते जिहड़ी अपनी आवाज़ आ लोगों तक पहुँचाते ही, तो जिहड़ा प्रेस भाईचारा वा जो लोगों की समय समय से चंगी माड़ी जिहड़ी आवाज़ आ वो लोगों तक पहुँचाते उदों प्रेस का बायकाट करते ही। अज प्रेस में लोड़ आ पंजाब नूं सिद्धू फैक्टर नहीं चाहिए, पंजाब नूं सिद्धू की प्रधानगी का फैक्टर नहीं चाहिए, पंजाब नूं लोड़ा पंजाब के हकों का, जिहड़े किसान भाईचारा है उन्होंने हकों का जिहड़े धरनियां ते बैठे आ। जो बोले सर जिहड़े कि अज यूथ वल्लों मतलब कि कह लो कि जिहड़ा कि सिद्धू नूं पंजाब प्रधान बनाने के उत्ते जिहड़ा कि रोस प्रदर्शन किया गया, तो तुसीं इहदे बारे की कहना चाहते? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़िया मुश्किलों के बाद, बड़े रोड़े, बड़े खड्डे टप्पण तो बाद जो सिद्धू साहब नूं प्रधान बनाया गया कांग्रेस कमेटी का, जो कि पंजाब का कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं चाहता, अखीरले दिन तक वो लिखते रहे आ चिट्ठियां सोनिया गांधी नूं कि नहीं जी असीं इन्हां नूं प्रधान नहीं स्वीकार करते। ये बना तो दिता प्रधान, हजे हुण अगे देखते हैं कि कैप्टन साहब की चुनौती देंदे आ इन्हां नूं। जिदा सिद्धू साहब अगे कहें कि जी असी मुद्दों की लड़ाई करते हैं, साढ़े पंजाब के मुद्दे आ, पहले दिन तो श्रोमणी अकाली दल ने यही गल कही सी कि सिद्धू साहब कोई लोगों के मुद्दों की गल नहीं करते, सिर्फ कुर्सी के भुखे आ। जदों आप 2017 दी इलैक्शन भी देखिया इन्हों की सब तो पहला गल आम आदमी पार्टी ना क्यों नहीं बनी, क्योंकि उत्थे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते सके जो भगवंत मान ने इन्हों नहीं दिती। फिर इन्हों आखिरकार कांग्रेस ज्वाइन करनी पई, कांग्रेस ज्वाइन करके चलो ये मंत्री बन गए।
मंत्री बन के भी इन्होंने की काम किया मंत्रियों के बाजो जी ढाई साल मंत्री रहे ढाई साल के मैं सिद्धू साहब न पूछना चाहता हाँ कि जेडे मुद्दे तुम ढाई साल तो बाजो चके वो मुद्दे ढाई साल के अंदर तुम की कैबिनेट के एक बार भी चके। सब तो पहला सवाल ये सिर्फ हूँ सिद्धू साहब के एक कुर्सी की लालच आ लालच सी जो उन्होंने मिल गई आ ये हूँ आने वाले समय से देखते हैं तो देखना की है सानू पता आ सारे लोग जानते हैं कि सिद्धू साहब ने लोगों का कोई मुद्दा नहीं चकना ये सिर्फ एक कुर्सी की लालच सी जो इन्हों मिल गया जेडे बंद सिद्धू साहब अगे गाल कहते कांग्रेस पार्टी देंदे सी ये भ्रिष्ट आ वो आज उ बंदे उन्होंने नाल तुर रहे कि सिद्धू साहब न अज नहीं बंदे देखते दे? नहीं तुहानू नहीं लगता कि जो कि कांग्रेस पार्टी एक लीडर वाली पार्टी बन के रह गई है ना कि लोगों की सेवा लई वर्कर तो है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर आ जिन्हू पुछ लो कहिंदा जी मैं लीडर हाँ मैं लीडर हाँ जिनी देर तक किसी पार्टी के वर्कर नहीं धुरा एक हुंदा ज़्यादा पा धुरा ही कोई है नहीं कांग्रेस पार्टी का अज की तरीक ना सेंटर च हैगा आ सेंटर च भी जी सिद्धू राहुल गांधी नू कोई नहीं मान रहा प्रधान अज की तरीक दे ना उन्हां दी जिहड़ी सीनियर लीडरशिप आ उन्हें बगावत की हुई आ उही इत्थे पंजाब छाल हो गया आ ये सिर्फ कुर्सी की एक भुख आ कांग्रेस पार्टी नू जो अज खुल के सामने आ चुकी तो जे गल करिए आप 2022 दे इलैक्शन आप किदा देखदे कांग्रेस पार्टी लई खत्म आ जी कांग्रेस पार्टी तुसी हुण असी की कहना तुसी लोकां दे विच विचर के देख लो वो अज दी तरीक दे विच कांग्रेस पार्टी नू कोई नहीं पसंद कर रहा सारे उन्हें सिर्फ जे वह कह देना असी चेहरा बदल लाँगे सिद्धू नू अगे ले आवांगे सिद्धू नू भी अगे लिया के इन्हां नू कुछ नहीं मिलना क्योंकि लोगों नू अज दी तरीक च पता लग गया आ कि सिद्धू सिर्फ कुर्सी का भुखा सी जो उन्हें कुर्सी मिल गई हूँ उन्हें लोगों का कोई कुछ नहीं सवारना। जब पंडित प्रवीण ज्योतिष जी के पास है आपकी हर समस्या का समाधान तो फिर घबराने की क्या है बात। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे विश्व के नंबर वन ज्योतिष एवं स्वर्ण पदक विजेता पंडित प्रवीण ज्योतिष जी। अगर आप भी किसी समस्या का हल पाना चाहते हो तो आज ही करें संपर्क। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या वहां पक्का होना चाहते हैं, पति पत्नी में अनबन मांगलिक दोष अगर आपका प्यार आपको इग्नोर करता है गृह कलेश सौतन दुश्मन से छुटकारा माता पिता को शादी के लिए राजी करना चाहते हैं शादी में समस्या रूठे प्रेमी प्रेमिका को मनाना या अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं तो आज ही फोन करें पंडित प्रवीण ज्योतिष जी को। विश्व के नंबर वन पंडित प्रवीण ज्योतिष जी आपके एक फोन पर ही करेंगे समस्या का समाधान। आज ही संपर्क करें विश्व के नंबर वन गोल्ड मेडलिस्ट पंडित प्रवीण ज्योतिष जी को और उनके आशीर्वाद से पाएं मनचाही खुशियां। अभी कॉल करने के लिए डायल करें +91 9460 1669 0